देखिए, इस राज्य सरकार की बुनियादी गलत है। जहां हमारी सरकार ने पत्थलगड़ी के आड़ में कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां, जो पत्थलगड़ी के आड़ पे लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, वैसे तत्वों को हमारी सरकार देशद्रोह का केस करने का काम किया था। इस सरकार ने सबसे पहले जनहित के बजाय उन्होंने जो पहला कैबिनेट की राष्ट्रीय तत्वों का राजद्रोह का केस उठाया था, और उसी दिन में ये न्यू पड़ गई थी कि इस सरकार में विधि व्यवस्था पूरी चौपट है। और उसके फलस्वरूप ही दूसरी घटना हुई चायबासा में, जहां हमारे 7 आदिवासियों का नरसंहार। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मारने वाला भी मेरा है, मरने वाला भी मेरा है। उसके एक महीने के घटने के बाद फिर लोहरदगा में एक मंत्री के इशारे पर बहुसंख्यक समाज में जो अत्याचार हुआ, जिसमें एक प्रजापति नाम का व्यक्ति की मृत्यु लोहरदगा में 2 दिन कर गया। 5 वर्ष हमारी सरकार थी, हमने समाज में सांप्रदायिक माहौल, भाईचारा का माहौल बनाया, लेकिन ये सरकार ने 13 महीने की सरकार जो अपनी उपलब्धि का ढिंढोरा पीटा है, सांप्रदायिक दंगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुई, इस महाठक गठबंधन की सरकार में वोट बैंक की लालच से एक संप्रदाय को खुश करने के लिए बहुसंख्यक संप्रदाय पर अत्याचार करने का काम, और इसके कारण आज चाहे उस शहर में उपद्रवी हो, चाहे गांव में उग्रवाद, कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण इनको प्राप्त, जिसके कारण पूरी विधि व्यवस्था चौपट। 20 वर्ष में इस राज्य को गठन हो गया, 20 वर्ष में पहली सरकार में इस राज्य के सबसे संवैधानिक संस्था के जो प्रमुख है माननीय राज्यपाल महोदय, उसके दीवार पर उग्रवादी पोस्टर चिपका के चले गए और आज तक अभी युद्ध नहीं पड़ा। तो राज्य की राजधानी जहां माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, बीजेपी बैठते हैं, ये स्थिति है, तो इसकी कल्पना बाकी जगह आप खुद कर सकते हैं। मेरी कार्यकर्ताओं ने कोलेबीरा में भी रुका, उसके बाद बसिया में भी रुका, सबने एक स्वर से कहा कि सर, आपके समय जो कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, लोग रात दिन खुलेआम नीडर होके गए, आज संध्या होने के बाद हम घर में दुबकने को मिले। इसी तरह जो गरीब है, जो हमारी विधवा बहन है, वृद्ध है, उनको ये सरकार बनने के बाद से जो वृद्धा पेंशन हमारी सरकार ने 600 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये दी, 5 महीना 6 महीने से उन गरीब विधवा को पेंशन भी, विधवा को पेंशन। चाहे सरकार 2019 के विधानसभा चुनाव जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम वृद्धा पेंशन 2500 रुपये देंगे, 2500 रुपये की दूर जो 1000 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन लोगों को मिलता था, वो भी 4-5 महीने से नहीं। इसी तरह इस सरकार में ये राजनीति को, ये सरकार अवैध व्यापार का अड्डा बनाया, चाहे वहाँ भी हमें बसिया बताया गया कि अवैध बालू धड़ल्ले से चल रहा है, उसी तरह पत्थर उद्योग धड़ल्ले से चल रहे हैं, अवैध जंगल की अवैध कटाई, जिस जल जंगल जमीन की बात करके सरकार बनाने वाली, एक वर्ष के अंदर भू माफिया, उसी तरह जमीन अवैध कारोबार, इस तरह एक वर्ष में सरकार को जल ने जल जंगल जमीन और यहाँ के प्राकृतिक संसाधन को लूटने का काम, पूरी सरकार विफल है, और भारतीय जनता पार्टी कमर कसने जा रही है इस सरकार को उखाड़ फेंकने। इसीलिए हम जनता से भी आह्वान करते हैं कि जन विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, अब आश्चर्य के बात करें, इस लॉकडाउन में जो हमारी बहने सखी मंडल के रूप में दाल भात योजना तक अभी काफ़ी, हमें कोलेबीरा में दीदियों ने कहा कि सर, हम लोग दाल भात में खाना सबको खिलाया है, लेकिन आज तक वो दाल भात योजना कभी उस गरीब दीदी को पैसा नहीं,
ये सरकार, ये जो झारखंड में सरकार चल रही है, सरकार के नाम पर एक मजाक है। ये वर्तमान सरकार के समय पर महिलाओं के दुष्कर्म के काफी मामले बढ़े हैं, क्या कुछ है? देखिए, जिस राज्य में महिलाओं का सम्मान ना हो, बेटियों का सम्मान ना हो, और जिस तरह एक 13 महीने की सरकार में 1600 से ज़्यादा और आदिवासी हित की बात करने वाली हेमंत सोरेन की सरकार 600 से ज़्यादा आदिवासी महिलाओं और बच्चों की हत्या, अब तो लोग ये भयभीत है, हर लोग हम दिन रात की बात छोड़े, दिन में भी अपनी महिलाएं या बेटी निकलने से डर, ये स्थिति से हेमंत सोरेन की सरकार। धान के पैसे नहीं मिल रहे, धान किसानों के नहीं बिक रहे, क्या मिल रहा सर? नहीं सर, क्या मिल रहा? ना वृद्धा पेंशन मिल रहा, जहां धान में बड़ा बड़ा बात किया 2500 रुपए देंगे, बोनस देंगे, किसान हमारा 1100-1200 रुपए बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर, क्या मिल रहा झारखंड के इस 13 महीने में सरकार से, क्या मिला सर? नहीं सर, सर बार बार खजाना नहीं होने का बात, खजाना खाली होने की बात मैंने कहा ना, इस सरकार के नाम पे मजाक है, ये इस राज्य का सबसे, इस देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री, जिसके पास कोई विजन नहीं, कोई दूरदृष्टा नहीं। जैसे आप परिवार चलाते हैं तो आप अपने परिवार की अर्थव्यवस्था को चिंता करते हैं ना, मैं भी सरकार में था, रुपया टप के थोड़ा आता है, हमको अपनी राज्य की आर्थिक संसाधन को जुटाना है, ये तो सारा जो है कि संसाधन तो निजी हित में जाओ। आप दुमका से एक दिन में 1000 ट्रक तक पकड़ाता और आपने पुलिस पकड़ ली, सुबह छोड़ दिया जाता और सारा चिप्स जा रहा था बांग्लादेश, झारखंड का पूरा गढ़वा जा रहा, गढ़वा से हो चाहे इधर से हो, सारा बालू जा रहा उत्तर, वो जो राजस्व है राज के खजाने में आना चाहिए, वो तो हेमंत परिवार के, सोरेन के परिवार के खजाने में आ रहा है। अगर आपको सरकार, इस हेमंत सोरेन से सरकार नहीं चलने वाली, जो कमजोर सरकार सरकार होता तो हर चीज का अभाव 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 ही करता, अब क्यों सरकार छोड़ दो, दूसरा आदमी को दे दो गद्दी, आपसे नहीं चलने वाला सरकार ये। सर झारखंड का अवार्ड मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह भारत सरकार के हमारे सारे मंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, और आपने देखा कल ही दुनिया का सबसे पहला भारत देश, भारत के लोगों के लिए, मानवताओं के लिए जो वैक्सीन का, ये मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हर विभाग के मंत्रालय पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। followup.in like share and subscribe www.followup.in